ये लोग पहुंचे हैं 3:30 बजे। हमारा देवेश थोड़ा नटखट है तो उसको यही सब चीज पसंद है। हमारी गाड़ी रेडी है। मैंने किस खुशी में है मिठाई भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार, कैमन आछो सबाई। आज सुबह की मॉर्निंग जो है बहुत अच्छी हुई है। जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम रात भर सोए नहीं। बच्चे आ रहे थे ट्रेन से तो मैं बार बार ही फोन कर रही थी, हर 1 घंटे में 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और बच्चे आए 3:30 बजे। बच्चे आए फिर उनको थोड़ा सा चाय वगैरह दिया क्योंकि पूरे रात थके हुए थे वो लोग। उसके बाद 4:30 बजे मैं थोड़ी देर के लिए सोई और फिर मैं सुबह ही उठ गई क्योंकि पीहू को हमारे स्कूल भेजना पड़ता है। और अब हुई रेडी और बच्चे हमारे आ गए हैं। और देखिए, सब सामान वगैरह यहीं रखा है अभी, कपड़े वगैरह, क्योंकि ये लोग पहुंचे हैं 3:30 बजे, जहां 2 बजे आना था इनको, और रात के 3:30 बजे आए हैं क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी। और हस्बैंड जी भी नहा धो के रेडी हो गए, एंटर जा रहे क्योंकि टाइम हो चुका है। पेशेंट भी आ गए पर थोड़ा बच्चों के साथ बैठे थे क्योंकि बच्चे अभी सो के उठे हैं। हेलो डॉक्टर साहब, हाय करो। चलो, पेशेंट आ गया आपके, बुला रहे नीचे, बस हालचाल पूछ रहे थे बच्चों का। जा रहे हैं वो अपने सेंटर और हमारी ननद की बेटी अब वो घर जाएगी, हमें ही जाना है छोड़ने के लिए। सो सामान वगैरह सब निकाल रही क्योंकि सारे कपड़े जो है दोनों के एक ही साथ मिक्स पैकिंग करेगी और हम लोग भी रेडी हो रहे हैं। सो स्नेहा, कैसा लगा आपको वृंदावन घूम के? बहुत बढ़िया, मजा आया। सो आप देख सकते हो, इधर दिखाओ, फेस दिखाओ। इतनी होली खेली इन्होंने तो कलर भी अभी देखिए माथे पे लगा हुआ है। और इनके पीछे लगाओ, बहुत होली खेली क्योंकि वहाँ चारों तरफ वृंदावन की होली है ना। हाँ, राज्य की, ब्रिज की होली की बात, ब्रिज की होली की एक बात ही अलग है। कभी हम भी जाएंगे, हमारा भी बहुत मन था लेकिन हम अभी जा नहीं पाए। सो हम नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे। अरे होली का ही तो मजा, ब्रिज में होली का ही मजा, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, ब्रिज बरसाना की होली। सो कपड़ों का फाइनल हो गया, कपड़े तो बंटवारे हो चुके हैं दोनों बहनों के। और देखिए, हमारी बिटिया रानी वृंदावन से, मथुरा से और बरसाना से और बहुत से जगह से सब कुछ लेके आई है सबके लिए। तो कान्हा जी के लिए ड्रेस है, तुलसी माला है, तिलक है, चंदन है, और बच्चों के लिए देखिए अपने भाई बहनों के लिए ये काले धागे वगैरह लेके आई है और सभी चीज़ है। कान्हा जी की ड्रेस है, सुंदर सुंदर प्रसाद है। तो आप अगर कहीं जा रहे हैं, अगर कुछ ना लेके आओ तो बिल्कुल खाली खाली लगता है कि हमने मतलब कि ना दर्शन किए। सो एक बार दिखा देती हूँ ऐसी। ये वाले फूलों की माला, हाँ ये फूलों की माला हमें किस्मत से ही मिली है। बहुत ज़्यादा मतलब मिलने नहीं वाली थी, इतनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी राधा रानी ने कर दिया। और ये प्रसाद है राधा रानी का जो तुम लोगों को मिला है। बाकी बिहारी का भी इतनी भीड़ थी लेकिन हम अंदर चले गए और हमें माला भी मिल गई किस्मत। हाँ, ये प्रसाद होता है कि देखो बाकी बिहारी के प्रसाद तुम्हें मिला है, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता। और बहुत सुंदर लग रहे थे तुम लोग, मैंने देखा था फोटो में। तो चलिए अब सब प्रसाद वगैरह देखते हैं कि क्या करना है, और स्नेहा के लिए भी जो जो प्रसाद है उनको निकाल लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, बाकी सामान जो है हम अंदर रख लेते हैं। वाह 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 वाह, इसी गोविंद जी का प्रसाद है भाई। क्या रहा दीदी, मेरे लिए बताओ। तेले छल्ला, ये इतना बड़ा के लिए है भाई। सो गाइस, फाइनल हम जा रहे हैं अब हरिद्वार और सारा काम हमारा हो चुका है। और थोड़ा सा क्या हुआ, लेट हो गया था, हमें जल्दी निकलना था पर थोड़ा सा लेट हो गया, पेशेंट आ रखे थे हस्बैंड जी के। सो मैंने क्या किया, फटाफट मैंने हस्बैंड जी के लिए खाना भी बना दिया और उनको खिला भी दिया है, बिल्कुल उनको फिट कर दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। क्यों भाई नीला पीला, इधर तो आओ। आज मैंने तो देखा ही नहीं कलर। देखिए आज हमारा कलर है नीला पीला, अच्छा लग रहा है ना। नीला पीला रंग गुलाबी अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो हम निकल रहे हैं, बच्चे नीचे चले गए और हम भी बस फटाफट चलते हैं। और बने रहिए वीडियो के साथ और चलते चलते वीडियो को कर दीजिए लाइक। ऐसे रंग कौन डालता है, ऐसे कौन रंग डालता है, तो पैसे उड़ा रहे हो, ऐसे रंग कौन रंग डालता है। तो बस हमारी गाड़ी रेडी है, मेरा कपड़ा, अच्छा कपड़ा निकालू साफ करने वाला। स्कॉर्पियो लेनी चाहिए आपको, लेंगे लेंगे, आ रहा है 25 में आएगा। पिंक लगेगा दीदी की।
पहुंच गए हैं हम अपने मायके और आज हम देंगे सरप्राइज़ अपने भैया भाभी को, क्योंकि हमने कॉल नहीं करा कि हम आ रहे हैं। जैसे भैया भाभी हमें देते हैं सरप्राइज़, तो हम भी देते हैं उनको, आज सरप्राइज़ देते हैं। तो चलिए बस अब मैं पहुंच गई हूँ, आज हमने सरप्राइज़ दिया। नमस्ते, हेलो गाइस, कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया, मजे। मैंने 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 कहा कि आ रही हूँ, हमारी अन्नी बुला रही है। मैंने कहा कि आज हम फोन नहीं करेंगे, सरप्राइज देंगे अपनी भाभी को, है ना। इधर ऊपर देखिए, प्यार से बिल्कुल लोट ऊपर हल्का सा हम लगाएंगे पानी। इसको हम प्यार में देखिए, लतपत हो गई है एकदम, गोदी में सोएगी भाई, गोदी में। देखो 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 बस। समय आते आते मिठाई लेके आई हूँ। किस खुशी में है मिठाई भाई? ये खुशी है तुम्हारी ननद के जो 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए यूट्यूब में, ठीक है। तो इस खुशी में आपके लिए मिठाई है और आपके पूरे परिवार के लिए मिठाई है भाई। अधिकार बनता है सबसे पहले मेरी मम्मी का अधिकार बनता है, फिर मेरे भाई का, भाभी का और मेरे बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग मुंह मीठा करो और मेरे लिए और प्रयास करो, मेरे सब्सक्राइब आगे बढ़ाओ, और क्या, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। दो सैली को और उसके परी के। अच्छा अच्छा, दो सैली को दे रही हूँ, वो कह रहे वीडियो देखूंगा। अच्छा ठीक है, हम अपनी भतीजी के रूम में और भतीजी की फ्रेंड है आ रही है। क्यों शर्मा रहे हो? खाना फिनिश हो गया? हाँ, अब तो अरे पहले व्लॉग ही देख रहे थे। अच्छा, लास्ट पेपर था इसलिए खुशी मना रहे हैं कि पेपर खत्म हो गया है। वाह। तो देखा गाइस, ये पार्टी उस चीज की है, क्योंकि जो सबसे बड़ा टेंशन होता है उस चीज की पार्टी है। तो मेरी भतीजी का जो है पेपर खत्म हुआ, कौन सी क्लास में? टेंथ का एग्जाम खत्म हुआ, तो सही बात है, तो बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि टेंशन फ्री हो गए और पार्टी चल रही है यहाँ। अब ले लो ये मिठाई, मेरी तरफ से है आप सभी को, क्योंकि मेरे पहले पूछो तो सही, क्यों? क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो मैंने केक काटा था, तो ये सबके लिए, कि जहाँ मैं जाऊंगी तो उन सबके लिए मिठाई है। तो सबसे पहले मैं अपनी भाभी के लिए लाई हूँ और मम्मी और के लिए। केक मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि केक हमेशा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मिठाई लेके आई। केक तो हमने उसी रात काट दिया था। सब भाई को भी कॉल करा तो भाई भी आ गए, अब दुकान से कहीं पे काम कर रहा था भाई साइड पे, तो वहां से आ गया है। सब देखते हैं कि खाने पीने का क्या करना, हम तो थोड़ा सा खा के आ गए थे, भूख तो लगी नहीं है, पर भाभी जी ला रही है खाने की रोटी, खा लेंगे। हैं यानी के फूफा जी आ गए भैया, फूफा जी की बारी है। ए जमाई को नमस्ते कर, कहा जमाई नमस्ते। भागी इतना हाँ गई। सो फाइनल शाम के बज गए हैं 5:30, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। हमने चाय सब पी लिया, चाय बिस्किट नमकीन सब कुछ खा लिया है। सो एक चीज तो हम भूल ही गए थे, प्रसाद लाए थे तो प्रसाद रह गया था, निकाला था भतीजी ने पर अलग से रख दिया है, लेकिन अपने हाथ से देने की एक बात ही अलग होती है, क्योंकि प्रसाद लाए हैं गोविंद जी का तो हाथ में ही पकड़ाया जाए, और माँ के लिए लाए थे तुलसी माला तो माँ को भी दे देते हैं। और चलिए सबको प्रणाम करते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, ठंड भी हो जाता है, सुबह शाम की तो है थोड़ी सी ठंड, और दिन में तो काफ़ी गर्मी थी, बिल्कुल सूर्य देवता अपने पूरे रौद्र रूप से आ रखे थे। बस अब फटाफट निकलते हैं, तो हम जा रहे हैं सब लोग, बाय 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 बाय। परी को बोला चल ले भाई, चल परी। अच्छा अभी पूजा रखी है, छोड़ नहीं दिया। फिर क्या है? सो हम घर पहुंच गए, और घर पहुंचने से पहले ही कस्टमर का फोन आ गया था। सो मैंने उनको कहा कि बस मैं पहुंचने वाली हूँ, पहुंच के कॉल कर दूंगी, तो मैंने उनको कॉल कर दिया है। अब वो आ रही हैं तो पार्लर को भी खोल लेते हैं, और थोड़ा सा सामान भी फैला हुआ है सब घर में, देखिए क्योंकि बच्चे लोग रात को आए थे तो सुबह ही सब यहीं पे सारे फैला रखा था बैग वगैरह, तो अब इसको भी थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं।
सब फाइनल कस्टमर आके चले गए, उनकी थ्रेडिंग वगैरह थी तो मैंने बना दिया है और अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब मुझे करना है घर का काम, क्योंकि जो थोड़ा बहुत घर का काम बचा था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं छोड़ के चली गई थी, तो अब उसको निपटाते हैं और खाना वगैरह बना के जल्दी से आज सोएंगे, क्योंकि कल मैं पूरी रात नहीं सोई बच्चों के वेट के चक्कर में और बच्चे आए थे सुबह, तो आज मैं सोच रही कि जल्दी से वीडियो एडिटिंग करके और जल्दी से हम सो जाते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।